हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और मैंने कल व्लॉग नहीं किया था मंडे को। मैंने आज संडे का व्लॉग पोस्ट किया है क्योंकि जैसे कि मैंने वो वाला व्लॉग एंड किया था जो आपने आज देखा होगा, मैंने आपसे बोला था मेरी थोड़ी तबीयत लग रहा है कि ख़राब होगी और फाइनली मेरी तबीयत कल बहुत ख़राब थी, आज भी इक्वली ख़राब है, पर मुझे लगा ब्लॉग शुरू करना चाहिए। तो एक्चुअली में मुझे कोल्ड हुआ है, हल्का सा फीवर हो जाता है कोल्ड के साथ, कफ तो जो नॉर्मली ठंड में चलता है वो हुआ है। तो आई थिंक ये सभी को हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अभी खाना बनाने जा रही थी क्योंकि कल मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे, मेरे से खाया नहीं जा रहा है बाहर का खाना, वो दाल चावल और समथिंग समथिंग, और उन्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो मैं अभी दाल चावल चढ़ा रही हूँ ताकि हम लोग कुछ खा पाए, क्योंकि यू नो मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ और सब कुछ खुद करना पड़ता है। मैंने बोरोलिन लगा के रखी है फेस पे, और मेरी नाक है वो आपको लाल दिखेगी क्योंकि जब तक मुझे सर्दी रहेगी तब तक लाल रहेगी है मेरी। और ये मेरी अदरक की, तुलसी की और काली मिर्च की चाय जो कि मुझे बहुत रिलीफ दे रही है। सो ये वाला टॉप मैं लेके आई थी उस दिन, मेरा फ़ोन आ गया था। हाँ, सो उस दिन ये वाला टॉप लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था, उनमें से एक टॉप है ये, उसमें से एक है ये टॉप, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइक गर्म टॉप है ये, मैंने जैसे कि आपको कहा था। सो गाइस, तबीयत फाइनली हो गई है मेरी ख़राब। एक दो के कॉमेंट्स आए थे आज ही मैं इररेगुलर हो गई, आई थिंक मैं मंडे कोई पोस्ट नहीं किया, मेरी सोई तबीयत के कारण मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाली थी, बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे साथ जब भी मेरे साथ तबीयत ख़राब होती है उससे पहले मैं कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचती हूँ, तब होती है। जैसे अभी मैं 1 तारीख में गई थी अपना राशन लाने, और वहाँ पे विक्स की बहुत सारी डब्बियाँ रखी थी, फिर मैंने विक्स देखा और फिर मेरे को लगा यार लूँ या नहीं लूँ, फिर मेरे को लगा अरे यार मुझे तो नहीं होती है ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं होती है, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे सर्दी जो है साल में कभी एक बार, वो भी ठंड ठंड में, दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में, तो मेरे को लगा मुझे तो नहीं होती है, रहन तो नहीं लेती, मैंने विक्स नहीं ली। और उसके एक दो दिन बाद मुझे सर्दी हो गई। तो कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे ये नहीं हुआ तो मुझे वो उसी दिन हो जाता है, इसलिए नहीं सोचो भैया नेगेटिव, नेगेटिव बहुत जल्दी होता है, आई डोंट नो पॉजिटिव इतनी जल्दी हो रहा होता। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं खाना बना रहे। ऐसा तो लग रहा है मेरे अंदर से खून चला गया है। बोजो की फेवरेट जगह है ये धूप सेकने के लिए। बोजो को मैं अपने आप से दूर रख रही हूँ क्योंकि इसे वैसे ही सर्दी रहती है और मैं नहीं चाहती है सर्दी लगे। सो गाइस, मैं क्या करने वाली हूँ बता रही हूँ आपको, मैंने खिचड़ी बना ली अपने लिए क्योंकि मैं दाल चावल बनाने वाली थी, मेरे हस्बैंड ने बोला इतना लोड मत लो, खिचड़ी अगर बनानी है तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी, तो खिचड़ी मेरी बन गई है पर मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उसे खाना नहीं खाया जा रहा है इस टाइम पे, मन ही नहीं हो रहा है। तो सुबह क्या हुआ था, मेड आई थी, उसने झाड़ू पोछा वगैरह, उसे झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया, बर्तन कर दिए, पर मेरी रसोई एज इट इज़ फैली हुई है क्योंकि आपको पता है, और हॉल तो फिर भी इतना नहीं फैला हुआ है, मेरा बेडरूम फैला है क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, क्योंकि मैं उठ रही हूँ सो रही हूँ, मैं जितना रेस्ट कर पा रही हूँ मैं उतना रेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं अपना बेडरूम साफ़ करने जा रही हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ अपने सुपर मेसी बेडरूम में, क्योंकि और बेडशीट भी चेंज करनी मुझे। तो चलिए, तो आप जैसे कि देख सकते हैं सब कुछ फैला पड़ा है, बस नीचे का काम हुआ है, वहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई है, वाइप्स रखी हुई है, और आई थिंक चिक्की और म्यूसली भी रखी हुई है क्योंकि मैं वो ही खा रही थी, मुझे और कुछ नहीं खाया जा रहा, आप सोच सकते हैं। लिटरली सुबह से उठ के मैंने 5-6 बादाम खाए हैं और 6 बादाम इनके रखे हुए हैं क्योंकि मैंने टिफ़िन भी नहीं दे पा रही हूँ, मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ लिटरली। आई थिंक कल से थोड़ी बहुत सही होगी सर्दी, तो चलिए मैं इसे करना शुरू करती हूँ, पूरा मेसी सब पड़ा हुआ है। Thank you.
बेड का जो काम है वो हो गया, मतलब बेडरूम सिमट गया है। अब मैं जाती हूँ और थोड़ी रसोई सिमटाती हूँ। मतलब काम आपको किसी भी कंडीशन में करना ही है, अगर आप अकेले रहते हो तो आप मेरी कंडीशन समझ सकते हो। ये कोई बहुत ही एक्साइटेड है, कोई बहुत ही एक्साइटेड है। कौन है, कौन है, कोई आया है? हेलो मोटो, हाँ कहाँ से आ रहे तुम? हम आ रहे हैं ऑफिस से। यार देखो तूने मेरी चीटिंग करी। बोलो क्यों मेरी जींस खराब कर रहा है? ये देखिए क्या चल रहा है वहाँ पे। बोलो जा रहे दूर हो क्यों? तुम्हें सर्दी हो जाएगी। कर दी नाज, कर दी ना, मेरा ये चैन तुम्हें। लड़ लो ना तुम लोग मुझे। लड़के दिखाओ, लड़के दिखाओ। क्या है ये पुच्छी? राजा की पुच्छी, राजा की पुच्छी। सो गाइस मुझे बोजो ने परेशान करके रखा हुआ है। मतलब बोजो ने मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है ना कि मुझे बोजो से इरिटेशन हो रही है आज बहुत ज़्यादा। या तो ये मुझे हर दिन इतना परेशान करता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि मैं सही रहती हूँ, या मुझे ये जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना तब से ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मतलब पीछे पीछे, मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ ना मुझे इरिटेट करके रखा हुआ है इसने। और जब आपकी तबीयत ख़राब रहती है तो आप मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे नहीं मालूम सबको क्या होता है पर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है अगर कोई मेरे आसपास मंडराता रहे तो। और ये मेरे आसपास मंडरा रहा है, मेरे को अभी थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि मुझे एक वीडियो का इंट्रो शूट करना है और ऐसी हालत में मैं शूट नहीं कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं लिटरली चाय पे ज़िंदा हूँ। और थोड़ी सी खिचड़ी ले रही हूँ मैं, मेरे को नहीं पता खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी। सो ये है मेरी खिचड़ी और मुझे नहीं लगता है कि मैं मैं खा पाऊँगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ आपको कितना खा पाई मैं। आज मैं 3 चम्मच खिचड़ी खा पाई हूँ, बस इससे ज़्यादा ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो बहुत मुश्किल से मैंने 3 चम्मच खाई है और मैं जानती हूँ मैंने कैसे खाई है। मुंह मेरा पूरा कड़वा और ऐसा लग रहा है किसी ने दवाई मेरे मुंह में डाल के रखी हुई है। सो गाइस मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, मेकअप किया है। ये मैं ट्राई भी कर रही थी क्योंकि मुझे इसका ट्यूटोरियल शूट करना है, तो ये किया है मैंने। मैं जल्दी से जाके वीडियो का इंट्रो शूट करके आती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं चाय बनाऊँगी या क्या करूँगी। मुझे चाय बनानी है बहुत देर से और मैं चाय नहीं बना रही हूँ। सो लेट्स सी मैं कितनी देर में चाय बना पाती हूँ। तो गाइस पता नहीं क्या हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन मेरी नोज में से ब्लीडिंग हो रही है, क्यों पता नहीं। हाँ तो गाइस मुझे लिटरली नहीं पता कि क्या हो रहा है ये। एक्चुअली मैं एक बार मेरी जब शादी थी ना तो मेरी बहन को भी हुई थी ठंड के टाइम में, तो मेरे भाई ने बोला था कि नोज को ऊपर करके बैठे रहो, ठंड में होता है ये। आई डोंट नो मुझे फर्स्ट टाइम हुआ है। एक बार स्कूल में हुआ था मुझे जब मैं 6th-7th standard में थी। पाँच मिनट ऐसे लेटने के बाद जो मेरी ब्लीडिंग है वो रुकी है, तो मुझे पहले लगा कि कुछ आ रहा है नाक से, पहले मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। और उसके बाद सडनली एक ड्रॉप गिरी, मेरे को लगा अरे यार ये खून खून सा क्यों लग रहा है, और वो ब्लीडिंग निकली। ऐसा होता है कभी, ऐसा होता है आपके साथ? तो सिर ऐसे करके ना 10-15 मिनट के लिए लेट जाइए, वो बंद हो जाती है। हाँ और नहीं हो रही है तो फिर आप जाके डॉक्टर को दिखाइए क्योंकि ठंड में होता है ऐसा, इसे खुश्की या समथिंग कुछ बोलते हैं मुझे। और मुझे सर्दी के टाइम ही होना था ये सब। वाह गाइस मैं अपनी चाय बना रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ,
मैं ना अब सबसे पहले तो बहुत सारी अदरक ले रही हूँ, उसे कस ले रही हूँ और कम से कम 5 मिनट के लिए उसे पानी के साथ बॉईल कर रही हूँ। तो वैसे मैं इतना बॉईल नहीं करती जितना जब मेरे को तबीयत ख़राब होती तब करती हूँ मैं। तो अभी ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए, उसके बाद मैं इसमें पत्ती डालती हूँ और चीनी। मैंने चाय बना ली है और मुझे अभी बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लेके आने हैं 2-4 सामान और ये लाल ही हो रही है, मेरी नोज़ पूरी लाल हुई पड़ी है। हाँ, तो मुझे कुछ सामान लाना है, मुझे लाना है गुड़ और अदरक। मेरी अदरक ख़त्म हो गई है, मैंने चाय बनाई है और काफ़ी ज़्यादा चाय है आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने अदरक डाली थी, उसके बाद थोड़ी सी लौंग डाली है पीस के, और एट लास्ट जब चाय बन गई तो उसमें आधी चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है। और ये काफ़ी सूदिंग होती है गले के लिए और ठंड के लिए बहुत अच्छी होती है। और आज मैं क्या करूँगी, आज मैं डालूंगी अपनी नाक में सरसों का तेल। हाँ, सिक डे ऐसा ही जाता है, काम मैंने काफ़ी किया है। तो ये सब था और अभी मैं जाऊंगी, मेरे हस्बैंड को चाय भी पीनी है और मुझे काढ़ा बनाना है। काढ़े की रेसिपी मैं बताऊंगी, वो काढ़ा ऐसा है आप 2 दिन लेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है या कुछ हो रहा है, खांसी चल रही है ना, 2 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा गला नाक सब क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ही असरदार काढ़ा नहीं बोलूँगी, वो थोड़ा च्यवनप्राश टाइप का बनता है। वो है। तो गाइज मैं राजा आ रहा है और मैं जा रही हूँ गुड़ लेने, तो मैंने ये ले लिया, मेरी बीनी नहीं मिल रही है, मैं ये भी लेके जा रही हूँ ताकि मैं अपने आप को अच्छे से कवर कर लूँ। तो वो नीचे ही आ रहे हैं और मैं नीचे ही मिलूँगी। और राजा शायद चाय पिएगा बाहर, मैं नहीं पी पाऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पी ली है, मैं अब बिल्कुल चाय नहीं पी सकती वरना मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। चलिए चलते हैं। तबीयत कैसी है आपकी? नाक में सुड़ सुड़ हो रही है, हीटर चला दो, लग रही सी। हीटर चला दो। अरे हाँ यार, हीटर चलाया। मैं लेने जा रही हूँ गुड़, अदरक बताया था जैसे मैंने, और ये पियेंगे चाय। पता, स्टार्टिंग में थोड़ी हवा गरम फेंक रहा है। हाँ, गरम ही आ रही है यार। चला गया है ना गाड़ी? हाँ। हम लोग घर में हीटर क्यों नहीं चला रहे यार? पता है, घर में मैं हीटर चलाना भूल जाती हूँ। हम लोग को एक शादी में जाना है 10 तारीख को, तो वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। आई थिंक एक ब्लॉग में भी आया है ना वो राजा? हाँ, शटर विंग्स। हाँ, तो एक ब्लॉग में भी आया, आई थिंक मैं फ़ोटो खिंचवा ले गई थी। तो उसके यहाँ फंक्शंस हैं 8 से 10 तक, 10 को शादी है, तो हल्दी वल्दी संगीत ये सब। तो मुझे जाना था और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी हालत में मैं जा पाऊँगी। हाँ, शादी अटेंड करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे को लगा था कि मैं बहुत अच्छे से जाऊँगी, मतलब हम लोग अच्छे से इन्जॉय करने के लिए। अब देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है, उसके बाद देखते हैं। वही उसे बुरा ना लगे, पर उसे पता चल जाएगा कि तबीयत सही है नहीं है, सही है नहीं है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। सो गाइस, चलिए मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं चाय पीते हो, इनको चाय पीते हो देखते हैं। ठीक है, चलिए बाय। बोझो मेरी दुम है, बोझो मेरी दुम है, मेरी आँखें कैसी हो गई, देखो चढ़ी पड़ी है। बोझो मेरी दुम हो गई है, बोझो मेरे पीछे पड़ा जब से मेरी तबीयत खराब है, या उसे पता है मेरी तबीयत खराब है, मेरे पीछे ही पड़ा है ये तो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है, तुम मेरे से पीछे ही पड़े हुए हो। मैं चढ़ा रही हूँ दाल। बेबी तुम्हें दाल बनाना सिखाऊं? हाँ बेबी, तुम्हें दाल बनाना सीखना है क्या? मैंने बाथरूम नहीं खोला है राजा, कितना झूठ बोलते, मैंने नहीं खोला, गॉड प्रॉमिस। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ, हार्पे के यहाँ पे रुक जो अभी क्लीन कर रहे हैं उसे। मुझे सिर्फ तब फील होता है कि राजा को खाना बनाना आना चाहिए जब मेरी तबीयत खराब होती है, वरना मुझे कभी फील नहीं होता है राजा को खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप खुद ही बना लो। टमाटर इश्क मेरी जा, जरा कबूल कर लो, टमाटर खाने की तुम
जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है टमाटर के लिए। वाह, ए लाल टमाटर खाता जो लाल लाल हो जाता वो। लाल टमाटर खाता जो राजा लाल लाल हो जाता। एक बात हुई है कि मेरे हस्बैंड को भी सर्दी हो गई है। एक नई बात हुई है कि मेरे हस्बैंड को सर्दी हो गई है। ये नया नया शिकार है, तुम नए नए शिकार हो सर्दी के, हम 2 दिन पुराने शिकार हैं। सो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया था। राजा तुम्हें पता है आज मैंने पता नहीं भूला कि मेरे नोज में ब्लीडिंग हुई थी यार। क्या बात कर रहे हो, देखो लाल कैसे? लाल भी हो रही क्या? नहीं अब तो हट गई है, हट लग कर दी, पता नहीं वो छिल गई अंदर से। हाँ तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नतें। सो राजा को भी मैं वेलकम कर रही हूँ क्लब में। राजा तुम्हें सर्दी हो गई? सो मुझे एक बेबी भी बहुत दया आ रही है, वो है बोजो बेबी। मैं अपना हल्दी का दूध लेके आई हूँ राजा और मेरा, और उसे लगा कि मैं उसके लिए अंडा लाई हूँ जो कि नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरे पास अंडा था भी नहीं और मैं लाई भी नहीं आज। देख सकते हैं कि वो किस तरह से टेबल सूंघ रहा है। नोनी अंडा नहीं आया आज, अंडा नहीं आया, आ जा पारी कर लो फिल्टर में अपनी गुइया को। हो बोनी, हाँ हो बोनी को तो भूखू है आज, तो बोनी को भूखू है बहुत चाली भूखू है बोनी को आज, तो बोनी को बहुत चाली भूखू है, बली दयाली है, कोई तो ला दो अंडा। बोजो की एक बहुत बुरी आदत है कि बोजो को लगता है कि उसके लिए डेली अंडा आएगा अगर वो 1-2 दिन लगातार खा लेता है, तो उसके चक्कर में वो खाना नहीं खाता। जैसे कल इसने खाना नहीं खाया रात में, इसे लगा अंडा मिल जाएगा तो इसे मिल गया, परसों इसने नहीं खाया इसे मिल गया, आज मेरे को लगा नहीं देना क्योंकि रेगुलर मेरे को डर लगता है इसे। देखो ये मेरे कपड़े कैसे ख़राब कर दिए इसने, पूरे बाल बाल। हाँ अब कैसे खाएगी, मेरी आवाज़ बंद गई, अब कैसे खाएगी, अब कैसे खाएगी, मुझे तो लगी है भूख, अंडा कहीं थे भी लाओ, कहीं थे भी लेके आ दो, बस अंडा ले आओ। अंडी, हो अंडी, इसे पता अंडा क्या होता है। अंडी 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 खाएगी, अंडी खाएगी। हो बाबू, ओ बाबू, हम लोग एक दूसरे से कितना दूर है ना, बोलो हम एक दूसरे से कितना दूर रहते हैं। बोजो में कब से गले नहीं मिले अच्छे से, मेरी टी शर्ट पे खाना भी गिरा हुआ है, मैंने खाना गिराया अपनी टी शर्ट पे, और मेरी टी शर्ट को बहुत अच्छे धुलने की ज़रूरत है, 1 दिन पहनी और 1 ही दिन में इतनी बुरी हो गई है। चलो कि ये क्या है, ये जैजा का धागा है ना, ये जो बोजो को जैजा का धागा कब से बंधा हुआ, अपना निकल गया, बोजो को जैजा का धागा है, बोजो जैजा का धागा है ना तुम्हारे पास। तो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को फाइनली एंड कर रही हूँ। ये था मेरा सिक डे जिसमें बहुत सारा कुछ कुछ हो गया, मैंने बहुत सारा काम भी कर लिया, और अब मैं जाऊँगी सोने हल्दी का दूध पी के, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। और सुबह से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई होगी, वो देख लीजिएगा। सो फाइनल बाय टू ऑल ऑफ़ यू, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बस।